नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया से फॉलो करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 24 फरवरी 2023 की शुरुआत करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पीडीएफ्स वहां पर मिल जाए। जस्ट सर्च कीजिए @kkatpal एंड मेरी सारी क्लासेस अपडेट्स लिंक सब मिल जाएगा वहां पर। इसी क्लास के एमसीक्यूज रात को 10 बजे होते हैं, उस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है रात को 10 बजे। इसी क्लास के क्विज करते हैं हम और इसी क्विज के माध्यम से यहाँ पर आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि मैंने पूरे दिन में जो पढ़ा है वो मेरा कितना हद तक सही हो रहा है, मेरी रिवीजन सही चल रही है नहीं चल रही है। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं आज की और आज सीधा हम नेशनल न्यूज़ वगैरह पर चलेंगे क्योंकि बैंकिंग की कुछ खास खबर मुझे मिली नहीं, तो इसलिए आज हम सीधा नेशनल न्यूज़ पे आएंगे। आज बैंकिंग कोई खबर है नहीं आपके लिए, है ना, सॉरी फॉर दैट। जो है नहीं तो क्या करें, कल कर लेंगे, है ना, कुछ होगा तो। तो पहली न्यूज़ आज की आई है, एकनाथ शिंदे लेड सेना फैक्शन गेट्स बो एंड एरो सिंबल। शिवसेना जो एक पार्टी थी कुछ महीने पहले, यहाँ पर पिछले साल की बात करूँ तो वो दो टुकड़ों में यहाँ पर विभाजित हो गई थी, जिसमें से एक टुकड़ा जो था वो यहाँ पर लीडर उसके बनकर सामने आए एकनाथ शिंदे, जिनका पिक्चर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और दूसरे यहाँ पर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने क्लेम किया कि शिवसेना हमारी है, एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया ये जो शिवसेना है वो हमारी है। ठीक है, दो गुट बन गए यहाँ पर शिवसेना में और फिर धीरे धीरे बहुत सारे जो एमपीज थे, बहुत सारे मेंबर ऑफ जो एमएलएस थे, सॉरी बहुत सारे जो एमएलएस थे वो यहाँ पर इनके साथ, मैक्सिमम एमएलएस इनके साथ गए और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट वहां पर चल रही थी जिसके लीडर उद्धव ठाकरे थे, चीफ मिनिस्टर थे वहां पर, और उनकी गवर्नमेंट को, उनकी सरकार को यहां पर गिरा दिया गया और उनकी जगह पर यहां पर एकनाथ शिंदे जी ने बीजेपी के एमएलएस के साथ मिलकर सरकार को बनाया। अब जब से ये सब हुआ था उसके बाद से यहां पर एक वाद विवाद चल रहा था कि शिवसेना जो पार्टी है वो आखिरकार उसके कौन चीफ रहेंगे, उसका जो सिंबल है वो किस गुट के पास जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आगे बहुत बारे बातें हुई, इलेक्शन कमीशन के पास बातें पहुंची, तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने यहां पर एक वोटिंग कराई और उस वोटिंग के आधार पर जो एमएलएस हैं उनकी वोटिंग हुई और उसके आधार पर यहां पर फाइनल जो डिसीजन लिया गया, जो मेजोरिटी ऑफ एमएलएस हैं वो यहां पर गए किसके साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ। और एकनाथ शिंदे जी को यहां पर जो शिवसेना का सिंबल है, ये जो बो एंड एरो का सिंबल ऑफिशियल सिंबल है, इनको दे दिया गया है और ये यहां पर पार्टी के लीडर बनकर भी सामने आए हैं। ठीक है, पार्टी के लीडर भी यही बने हैं और शिवसेना के यहां पर ये अध्यक्ष भी बन चुके हैं, ऑफिशियल अध्यक्ष जिसको आप कहोगे वो ऑफिशियल अध्यक्ष भी ये शिवसेना के अब यही बने हैं। और इसी के साथ जो यहां पर उद्धव ठाकरे जी के द्वारा जो लीड की जा रही है यहां पर गुट है, उसका जो ऑलरेडी एक सिंबल था जो उन्होंने टेम्परेरी, बीच में यह सिंबल कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था यह कहा गया था, जिसमें यहां पर एकनाथ शिंदे जी अपना एक अलग सिंबल इस्तेमाल करते जो कि तलवारें थी, दो तलवारें समथिंग, है ना, और ये इंटरिम सिंबल अपना इस्तेमाल करते फ्लेमिंग टोर्च को, है ना, मशाल को, तो ये मशाल को इस्तेमाल कर रहे थे तो फिलहाल मशाल जो है उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया कि आप मशाल सिंबल को कंटिन्यू कीजिए, इसी को कीजिए और इनको शिवसेना का ये सिंबल ऑफिशियली दे दिया गया है, शिवसेना पार्टी जो है अब ये लीड करेंगे। तो न्यूज पढ़ते हैं क्या है, इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया द फैक्शन लेड बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एज द रियल शिवसेना एंड द एलोकेटेड एट द बो एंड एरो सिंबल उनको दे दिया गया है। पिछले साल जून की ये बात है जब एकनाथ शिंदे एंड अ ग्रुप ऑफ पार्टी एमएलएज ने यहां पर पूर्व महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी, जो कि शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की एक यहां पर मिलीजुली सरकार थी, सभी एमएलएज मिलकर कोलैबोरेट करके यहां पर सरकार बनाई गई, तो उसके अगेंस्ट यहां पर उन्होंने एक गुट बना लिया और शिंदे जी को यहां पर चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया महाराष्ट्र का 30 जून को, जिन्होंने बनाया बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को यहां पर वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने वहां पर सरकार बनाई। द टू फैक्शंस जो दो गुट थे यहां पर, जिसमें से एक लीड किया जाता था उद्धव ठाकरे और दूसरा शिंदे जी के द्वारा, ये यहां पर आपका इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे कि हम रियल शिवसेना है एंड इन एन इंटरिम डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने फाइनली कहा है शिंदे विल बी कॉल्ड दी बाला साहेबांची शिवसेना,
इन्होंने उस वक्त एक डिसीजन लिया इलेक्शन कमीशन ने कि शिंदे जी की पार्टी है उसको यहां पर यह नाम उन्होंने दे दिया था उस वक्त के लिए, और फिलहाल अब यहां पर उन्होंने ये कहा है कि नाउ इट इज अ रियल शिवसेना, जो शिवसेना है जो आप नाम इस्तेमाल कर सकते हो अब शिवसेना, और दूसरी पार्टी जो है फ्लेमिंग टोर्च को इस्तेमाल कर सकती है अपने एज अ सिंबल के रूप में। ओके तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा जो मैंने चीज कही वो यहां पर एज इट इज लिखी हुई है, उम्मीद करता हूं चीज फिट होगी होगी माइंड में, इजिली समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यही बनेगा कि यहां पर जो बो एंड एरो सिंबल है शिवसेना पार्टी का वो किसको दिया गया है, किस पार्टी को, पार्टी तो शिवसेना ही है, किसके द्वारा लीडर कौन बने हैं शिवसेना के, ये पूछ सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एकनाथ शिंदे जी का नाम यहां पर याद करना है, और उम्मीद करता हूं ये नाम आपको याद ही होगा क्योंकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, इसमें नाम याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, राइट। और कुछ हिस्ट्री है इसके बारे में कि कौन हिस्ट्री में क्या हुआ था कैसे हुआ था, इस तरह के न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर 90% चांस ऐसे रहते हैं कि इस तरह की न्यूज पॉलिटिकल न्यूज नहीं आती हमारे बैंक एग्जाम में, स्टिल आपको जो मैंने बताई चीजें बस वो माइंड में कहीं ना कहीं कोने पे रख लेना। एकनाथ शिंदे जी का नाम याद रख लेना, शिवसेना का नाम याद रख लेना, सिंबल याद रख लेना, है ना, सिंबल याद रख लेना यहां पर आपका। एंड नेक्स्ट वन इज द उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसका सिंबल फ्लेमिंग टोर्च है, ठीक है, तो बस इतना माइंड में रखो, दैट्स इट, इतना ही इस न्यूज में है, ज्यादा कुछ इसमें याद करने वाला है नहीं। अगली खबर पे चलते हैं जो कि ओडिशा से आई है। गवर्नर ऑफ ओडिशा जो कि हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला एआई चैटबॉट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, नाम है अमाकृष एआई। सो यहां पर ओडिशा में यहां पर गवर्नर वहां के उन्होंने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है ये संबंधित है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट यहां पर रिलीज किया गया है ओडिशा में यहां पर, और ये मदद करेगा किसानों के, इट विल हेल्प द फार्मर्स विद द बेस्ट एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, किस तरह से यहां पर किसान अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से किसान जो है अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं किसानों को, उससे संबंधित सारी समस्याओं का हल जो है इस पर्टिकुलर चैट बोर्ड के माध्यम से यहां पर इसकी जो भी नॉलेज है, इसके बाद जो भी डाटाबेस इन्होंने क्रिएट किया है उसके माध्यम से यहां पर किसानों तक यह सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड यहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, लोन प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग अलग 40 कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक से, वो सब चीजें भी इसके अंदर ही इंक्लूड रहेंगी। ओके, एग्जांपल से क्वेश्चन, हाल ही में यहां पर इंडिया का पहला चैट बोट जो लॉन्च किया गया है वो कौन से सेक्टर से संबंध रखता है, राइट आंसर एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा सेक्टर यहां पर इसका नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका नाम क्या है, नाम इसका है अमाकृष एआई इसका नाम है, और कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, दैट इज दी एट अ सेशन ऑफ द कृषु ओडिशा 2023 इवेंट हो रहा था उसमें, तो यानी कि ओडिशा में लॉन्च किया गया है, दिस इज लॉन्च्ड इन दी ओडिशा, तो ये तीसरा क्वेश्चन बनेगा। यहां पर पर्पस आपको मैंने बता दिया, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड में फिट कर लेना कि एग्रीकल्चर संबंधित है तो ऑब्वियस है फार्मर्स की मदद के लिए होगा। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन ही अमाकृष एआई का नाम, एग्रीकल्चर सेक्टर याद रखना, ओडिशा याद रखना, ये तीन क्वेश्चन, तीन कीवर्ड्स जो है ये आपको माइंड में रखने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आएगा, एग्रीकल्चर, ओडिशा, अमाकृष एआई, दीज आर दी थ्री क्वेश्चन, थ्री कीवर्ड्स। अगली न्यूज पे चलते हैं। गुरु कृपा यात्रा विद भारत गौरव ट्रेन। ओके, सो गुरु कृपा यात्रा जो है ये भारत गौरव ट्रेन के साथ यहां पर इनको लॉन्च किया जाएगा। गुरु कृपा यात्रा बेसिकली एक ऐसी ट्रेन है जो कि यहां पर जाएगी ऐसे स्थान पर जो कि यहां पर सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं, काफी तीर्थ स्थल जो माने जाते हैं सिख कम्युनिटीज के, तो वहां से ये ट्रेन यहां पर गुजरेगी, और इसको यहां पर पार्ट बनाया गया है किसका, दैट इज भारत गौरव ट्रेन यात्रा का। भारत गौरव ट्रेन यात्रा, भारत गौरव ट्रेन जो है ये अलग अलग जगह पर जाती है, एक पर्टिकुलर सर्किट के अकॉर्डिंग यहां पर जाती हैं कि ये इस ट्रेन यहां से चली, और इस तरह के तीर्थ स्थल हैं या कोई पर्टिकुलर लोकेशंस हैं इस तरह की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर विजिट करके आती हैं, तो इस तरह की ये ट्रेन है, तो उसी का पार्ट बनेगा क्या, उसी का पार्ट बनेगा गुरु कृपा यात्रा। सो गुरु कृपा यह रिलेटेड है किससे है, ये रिलेटेड है आपका सिख कम्युनिटी से, यहां पर रिलेटेड है, देयर दी होली साइट्स ऑफ द तीर्थ स्थान जो है सिखिज्म के, इनसे यहां पर संबंधित है। ये नीचे यहां पर स्थान
स्थान भी लिखे हुए हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जहां जहां पर ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है ये विजिट करेगी। टोटल 11 दिन की यात्रा रहेगी, 11 दिन ये यहां पर यात्रा चलेगी, यानी ट्रेन 11 दिन चलेगी। शुरुआत इसकी यहां पर लखनऊ, पीलीभीत, सीतापुर एंड बरेली से गुजरते हुए अलग अलग लोकेशन पर जाएगी। वहां पर आप बोर्ड हो सकता है, डी बोर्ड, यानी कि वहां से आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, अपनी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और ये जो लोकेशंस हैं, ये सारे के सारे लोकेशन, दैट इज दी केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, विरासत ए खालसा, आनंदपुर साहिब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किरतपुर साहिब की बात करें, सर हिंद में जाएगी, अकाल तख्त अमृतसर जाएगी, एंड दी बठिंडा में भी जाएगी, नेक्स्ट वन इज दी नांदेड़ में जाएगी, बिदर में जाएगी और पटना में जाएगी। ये सारी की सारी जो फेमस लोकेशन है यहाँ पर, इन सभी में जाएंगी। आप में से ऑलमोस्ट काफी सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे केवल एक ही जगह को, दैट इज अमृतसर को, क्योंकि ये गोल्डन टेंपल के रूप में हम इसको जानते हैं। वैसे इसको हरमंदर साहिब बोलते हैं, हरमंदर साहिब, ठीक है, इसको जो नेम से पुकारा जाता है हमारे सिख समुदाय में, इसको हरमंदर साहिब भी बोलते हैं। आप इसको गोल्डन टेंपल के रूप में जानते हैं। बाकी भी हो सकता है, आप में से काफी लोगों ने नाम सुने होंगे या विजिट भी किया होगा, है ना, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मैं एक फेमस चीज की बात करूं, क्योंकि वो एक गोल्डन टेंपल लोग देखने के पर्पज से भी वहां पर जाते हैं, तो ये गोल्डन टेंपल की ही बात कर रहा हूं यहां पर आपके, और बाकी जगहें भी आपके सामने हैं। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि हाल ही में भारत गौरव ट्रेन यात्रा के तहत यहां पर गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत हुई है, ये कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़े हुए 30 स्थलों पर जाएगी। राइट आंसर रहेगा सिखिज्म, सिखिज्म यहां पर रहेगा इसका उत्तर। सिखिज्म में यहां पर यह यात्रा कितने दिन की रहने वाली है, 11 दिन की यात्रा रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन, 678 पैसेंजर्स आएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन बनेगा, इसमें सिंपल सिंपल सिखिज्म के ऊपर फोकस किया जा सकता है, और ये साइट्स के नाम याद नहीं कर पाओगे आप, है ना, और आई डोंट थिंक एग्जामिनर पूछेगा, साइट्स के नाम याद करने मत लगना ना, पढ़ लेना, दैट्स इट, है ना। लेकिन इन साइट्स में एक चीज है जो एक क्वेश्चन के रूप में और बन सकता है, दैट इज दी यहां पर कई सारे आपने कई सारे तो नहीं है, एक यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा, दैट इज अकाल तख्त। अकाल तख्त, ये शब्द जो है तख्त, इसके ऊपर बात करते हैं। अरे यार कहां गई वो स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड, आगे पीछे हो गया कुछ। ओके, सो ये अकाल तख्त जो है, ऑल 5 मेजर तख्त है सिखिज्म के। ये तख्त जो है ये आपकी एक अथॉरिटी, एक सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है सिखिज्म में। और सबसे पहला जो तख्त था वो गुरु हरगोबिंद जी 1609 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड दी 5 तख्त जो है वो यहां पर उनको पंच तख्त के रूप में जाना जाता है, जिसमें अकाल तख्त आता है, दमदमा साहिब, केशगढ़, हजूर साहिब एंड पटना साहिब आता है। इसमें आपने नाम एक जगह तख्त लिखा हुआ है, लेकिन बाकी नाम भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जो जो आपके दमदमा साहिब यहां पर आपका, ये बठिंडा की बात कर रहा हूं मैं, केशगढ़ यहां पर आपका ये रहा, हजूर साहिब यहां पर होगा कहीं तो होगा, सचखंड हजूर साहिब ये रहा, एंड अगला है पटना साहिब, लास्ट में रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे तख्त हैं, ये तख्त यहां पर इश्यू करते हैं ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस टू द सिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ ऑल द तख्त। अकाल तख्त जो है वो सुप्रीम यहां पर माना जाता है। तो ये यहां पर आपका सिखिज्म से रिलेटेड, सिख रिलीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो कि माइट बी एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो सकते हैं आपसे। तो कितने तख्त हैं यहां पर सिखिज्म से जुड़े हुए, टोटल 5 तख्त हैं आपके। पहला क्वेश्चन यहां पर आपका ये बनेगा, 5 तख्त हैं आपके, राइट। 5 तख्त को क्या कहा जाता है, पंच तख्त कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, और 5 तख्त के नाम आपके सामने हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ सकते हो, अकाल तख्त इसमें सुप्रीम तख्त माना जाता है, राइट। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। हाँ, बोर्ड डी बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से होंगे, पटना, नांदेड़, पटना साहिब, राइट, ठीक है। मैं इनमें से एक जगह गया हूँ, हरमंदर साहिब अमृतसर में, बाकी जगह जाने का मन है। पिछले दिनों में एक प्रोग्राम बन रहा था कि पटना में हम लोग आएंगे अन अकेडमी पे, है ना, अन अकेडमी के इवेंट के लिए, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया, आई डोंट नो क्यों वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, लेकिन मुझे था कि पटना जाएंगे तो चलो पटना साहिब जरूर होकर आएंगे, ठीक है। बाकी जगह खैर मेरा अभी तक जाना हुआ नहीं, मन में बहुत है मेरे जाने का,
थोड़ा सा मन से जुड़ाव है, है ना, एक होता है ना किसी चीज से जुड़ जाता है इंसान, है ना, तो मन से जुड़ाव है थोड़ा, लेकिन बस यहां पर तो मैं काफी बार, मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेरा एक बार यहां पर जाना होता ही है, मैं काफी सालों से जा रहा हूं। चलो एनीवेज, 15th एडिशन ऑफ द एल क्रामा 2023, सो एट एल क्रामा 2023 द लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड हेल्ड एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। सो ग्रेटर नोएडा में यहां पर आपका एल क्रामा एक, ये एक मुझे कहां याद आ रहा है एल क्रामा, ये राइम किससे हो रहा है शब्द एल क्रामा, कहीं सुना हुआ है। वैसे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक है ना, तो इलेक्ट्रिक यहां पर आमा 2023 से संबंधित एक यहां पर इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन जो है वो यहां पर आयोजित की गई है, कहां पर, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है। ठीक है, यहां पर हमारे देश के जो आर के सिंह जी हैं, जो कि देश के पावर मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है यहां पर इस चीज को। एंड री इमेजिनिंग द फ्यूचर मेटामॉर्फोसिस ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया, ये एक इसकी थीम है, दिस इज द थीम, ओके, दिस इज द थीम। इट इज क्रिएटेड एज अ मेटामॉर्फिक बटरफ्लाई टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंडिया पावर सेक्टर हैज चेंज्ड, किस तरह से इंडिया का पावर सेक्टर है वो इवोल्व हुआ है, किस तरह से यहां पर चेंज हुआ है, वो ये चीज यहां पर आई है। एल क्रामा, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, एल क्रामा शब्द ना किसी से राइम करता है, एल क्रामा मैंने कहां सुना होगा ये शब्द। एग्जाम्पल इज क्वेश्चन, एल क्रामा कहां हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हुआ, पहला क्वेश्चन। किसने इसको इनॉग्रेट किया है, हमारे देश के पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसकी थीम क्या है, थीम है इसकी री इमेजिनिंग द फ्यूचर मेटामॉर्फोसिस ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया, ये तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनकर सामने आ रहा है। तो ये तीन क्वेश्चन इसमें बनेंगे, आपका एल क्रामा, ग्रेटर नोएडा, आर के सिंह एंड द री इमेजिनिंग द फ्यूचर मेटामॉर्फोसिस ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ओके, चैट बॉट होता है जिसे चैट करते हो आप, ऑटोमेटिक चैट होती है ना व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिक रिप्लाई आते हैं। 33वां पुलिस पब्लिक मेला इन जम्मू, ओके, सो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का यहां पर आपका 33वां पुलिस पब्लिक मेला जम्मू में आयोजित किया गया। तो जम्मू में 33वां पुलिस पब्लिक मेला कहां आयोजित किया गया, जम्मू में आयोजित किया गया। यहां पर पुलिस पब्लिक मेला हैज इमर्ज एज पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर पुलिस ऑफिसर एंड पब्लिक टू इंटरेक्ट एंड सेलिब्रेट दी शेयर्ड हेरिटेज। सो एग्जाम्पल से सिंपल सा क्वेश्चन है, पब्लिक पुलिस मेला हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ये प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है पूरे इंडिया का है और जम्मू कश्मीर में किया गया है, ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर का ही है और इस बार जम्मू में ही किया गया है ये, और ये लोकेशन बस इसमें याद करने वाली है और कुछ इसमें याद करने वाला है नहीं, दैट इज जम्मू पब्लिक पुलिस मेला इनॉग्रेटेड एट द जम्मू। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। यार कुछ लोग पीछे चल रहे हो क्या भाई, क्लास में लाइव पे क्लिक करके लाइव आ जाओ, मैं दो न्यूज आगे हूं, दो न्यूज पिछले ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और तख्त का मतलब पूछ रहे हो, तख्त का मतलब यहां मैंने समझाया तो था बच्चे कि तख्त क्या होता है, ये क्या समझाया मैंने, तख्त ही तो समझाया था और क्या समझाया था। कुछ चीजें ठीक है सामने लिखी हुई वो समझानी पड़ती है, कुछ चीजें जो सामने लिखी है उसको और उसको मैं समझा रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हो क्या है। अब कल कल तुम पूछोगे सर बट इस जम्मू है ना, मैं इस पे क्या समझाऊं, जम्मू क्या है, है ना, शहर है जम्मू, बस बात खत्म। उसमें कुछ चीजें समझाने के लिए होती है, सही है, सच है, वो मैं समझाता भी हूं, है ना। अब जो मैंने तख्त समझा दिया, स्टिल यू आर आस्किंग सर बट इस तख्त, तो एक क्या कर रहे हो, मतलब भाई कहां जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, किसके साथ चट्टे चल रही है, क्लास में ध्यान रखा करो, है ना, फिर टीचर को ब्लेम करते हो कि सर का समझ नहीं आया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन वाज हेल्ड इन गोवा, ओके, सो पहला प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप गोवा में आयोजित किया गया है। यहां पर आपका पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत यहां पर हमारे देश में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, उनको यहां पर एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी प्रोग्राम है लाइक दी अभी जैसे
कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ाई थी, वो न्यूज थी रिलेटेड टू दी दिल्ली से यहां पर जयपुर में एक्सप्रेस वे गया यहां पर और वो मुंबई तक जाएगा। तो इसी तरह से इंडिया में चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर एयरप्लेन हो, शिप हो, इस तरह से रोड रेल नेटवर्क को यहां पर और मजबूत किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी जो है बहुत ही आसान हो चुके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लॉजिस्टिक जो है वो बहुत अच्छे से यहां पर हो सके, एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है बहुत जल्दी पहुंच सके, जिससे यहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, कॉस्ट कटिंग होगी और यहां पर लोगों के कामों में भी यहां पर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहां पर आपका पीएम गति शक्ति प्रोग्राम इसी सोच के साथ किया गया और इसी पीएम गति शक्ति प्रोग्राम की यहां पर आपकी एक वर्कशॉप वेस्टर्न और सेंट्रल जोन की कहां पर आयोजित की गई है, गोवा में आयोजित की गई है। ठीक है, गोवा में आयोजित की गई है ये आपकी, दैट इज द फर्स्ट पीएम गति शक्ति वर्कशॉप हेल्ड इन द गोवा फॉर वेस्टर्न एंड द सेंट्रल जोन। इसमें यहां पर आपके नेशनल मास्टर प्लान के जो गति शक्ति मास्टर प्लान है उसके तहत यहां पर बातें की जाएंगे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर आपका एक साथ मिलकर बातचीत करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोग्राम की जो अभी हाल ही में एक रीजनल वर्कशॉप वेस्टर्न सेंट्रल जोन की हुई है, कौन सी लोकेशन पर हुई है, गोवा में हुई है, दैट्स इट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया एमओयू विद अदा के साथ। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अदा के साथ। So, यहां पर बेल ने एग्रीमेंट साइन किया है अदा के साथ और ये एग्रीमेंट साइन किया गया बेसिकली एक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ और वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो ये एक एयरक्राफ्ट से संबंधित यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है बेल का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। इसके अलावा उन्होंने एक और एमओयू साइन किया, वो सिस्को के साथ साइन किया और ये नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ एक एमओयू है। और अगर मैं बात करूं बेल की और या फिर पहले हम एडीए की बात करें जो कि लास्ट पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है, दैट ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डीआरएनडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर 1984 में बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम बेंगलोर कहते थे, आजकल इसको बेंगलुरु कहते हैं। तो ये यहां पर इंडिया का जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इंडिया का खुद के द्वारा बनाया जा रहा है एलसीए एयरक्राफ्ट, काफी बार चर्चा में आता है, काफी बार न्यूज में रहता है, आपका रिसेंट भी न्यूज में रहा था। तो यही लाइट क्राफ्ट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को यहां पर बनाने के लिए ये अदा को यहां पर बनाया गया था और बेल जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये पांचवा जनरेशन एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि डिजाइन किया गया है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। इसकी कुछ विश्लेषण एडजेक्टिव्स लिखे गए हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी हुई है, क्या हुई है, बेल की अदा के साथ टाइप हुआ है। अदा यहां पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है और बेल ने अदा के साथ जो टाइप किया गया है वो यहां पर मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए टाइप किया, यानी कि लाइट से थोड़ा सा एडवांस एयरक्राफ्ट आपका देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इन्होंने एक सिस्को से साथ भी एग्रीमेंट किया है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन, बेल ने यहां पर किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अदा के साथ, अदा ने किसके साथ साइन किया है, बेल के साथ। तो ये एक इंटरचेंजेबल वाइस वर्सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, किस पर्पज से किया है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के पर्पज से किया है। बेल ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो नेटवर्किंग से जुड़े हुए फील्ड में, सिक्योरिटी से जुड़े हुए फील्ड में यहां पर उनसे सहयोग मांग रहा है, दैट इज सिस्को के साथ उन्होंने टाइप किया है, दैट इज सिस्को। तो ये यहां पर कुछ क्वेश्चन यहां पर अदा, बेल एंड दिस सिस्को के ऊपर यहां पर बन सकता है। बाकी इसके बारे में फैक्ट पुराने लिखे हुए हैं, पढ़ लेना, जस्ट पढ़ लेना कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1984 में अदा जो है स्टैब्लिश हुआ था। मुझे नहीं लगता इसमें से क्वेश्चन आएगा, जस्ट रीड कर लेना एंड क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा, ये 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 क्वेश्चन है इसमें से जो बन सकते हैं आपके से। राइट, ओके, चल आगे चलते हैं। इंडिया गुआना एयर सर्विस एग्रीमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में आपका अप्रूवल किया है किसका, एयर सर्विस एग्रीमेंट का, जो कि इंडिया और गुआना के बीच में यहां पर हुआ है। गुआना एक कंट्री है यहां पर आपका और यहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो इंडिया ने गुआना के साथ टाइप करके क्या किया गया, इंडिया ने गुआना के साथ जो टाइप किया गया है इसके तहत यहां पर आपका एक एयर सर्विस एग्रीमेंट होगा। एयर सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली आप वहां पर फ्लाइट्स लेकर जा सकते हैं, इनकेस अगर आपकी फ्लाइट आगे किसी कंट्री में जानी है तो गुआना में होल्ड कर सकती है, रुक सकती है,
तो ये एयर सर्विस एग्रीमेंट का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि वहां पर आप फ्लाइट्स जो है ऑपरेट की जा सकते हो इंडिया से गुआना, गुआना से इंडिया, अब फ्लाइट्स यहां पर इजिली चल पाएंगी। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया गुआना एयर सर्विस एग्रीमेंट हैज बिन डन और इसको अप्रूवल दिया गया है हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा। फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट, नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेटेड बिटवीन द कंट्री, सीट अलॉटमेंट वगैरह ये सब चीजें यहां पर की जाएंगी। और इसी तरह का एग्रीमेंट इंडिया का टोटल 116 कंट्रीज के साथ है, टोटल 116 कंट्रीज के साथ इंडिया का आपका एयर सर्विस एग्रीमेंट है। एयर सर्विस एग्रीमेंट आपका होना जरूरी है तभी वहां पर जा पाएंगे, अगर आपका एयर सर्विस एग्रीमेंट नहीं है तो उस कंट्री में आप जा ही नहीं पाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको किसी और देश में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले आप गुआना में कैसे लोग जाते होंगे, किसी और देश में जाओ फिर वहां से वहां की लोकल फ्लाइट पकड़ो और वो आपको गुआना छोड़ेगी, इस तरह से यहां पर गुआना में जाते होंगे या फिर किसी भी कंट्री में। अब टोटल 116 कंट्रीज के साथ ही टाई अप है, बाकी कंट्रीज जो हमारे पास बची हैं तकरीबन 200 के अप्रोक्सीमेट कंट्रीज हैं, है ना, 200 से ऊपर, तो उन कंट्रीज में कैसे जा सकते हो, उन कंट्रीज में ऐसी कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर कि आप कहीं गए किसी दूसरे देश में और वहां से आपने फिर आगे फ्लाइट पकड़ी, राइट। जिस तरह से आप ट्रेन पकड़ते हो, आप डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलती तो आप किसी पर्टिकुलर शहर जाते हो वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ते हो, कुछ वैसा ही है। उबर टाटा डील फॉर 25,000 ईवी। टाटा अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टाटा के द्वारा की जाती है तकरीबन 70% यहां पर आपकी। और इसी के तहत टाटा ने उबर के साथ अभी डील किया है जिसके तहत उबर को 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टाटा यहां पर आपका देगा, टाटा यहां पर ट्रांसफर करेगा, यहां पर आपका उनको बेचेगा, इससे संबंधित यहां पर डील की गई है। इससे पहले भी टाटा ने बहुत सारी और कंपनीज के साथ डील की थी लेकिन 25,000 कार की इतनी बड़ी डील जो है वो पहली बार की गई, इससे पहले 1,000-2,000 कार्स की भी डील की जा चुकी है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी डील है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में टाटा ने कौन सी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया है जिसको उन्होंने 25,000 कारें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सेल करेगी। राइट आंसर रहेगा उबर के साथ उन्होंने टाई अप किया है। ओके, सो इसके तहत कितनी कार्स प्रोड्यूस की जाएंगी, दी जाएंगी 25,000 कार्स यहां पर प्रोड्यूस की जाएंगी। दो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, उबर ने किसके साथ, टाटा के साथ, टाटा ने किसके साथ उबर के साथ, कितनी कार्स यहां पर सप्लाई की जाएंगी, 25,000 कार यहां पर सप्लाई की जाएगी। अगली खबर पर चलते हैं, इंडिया एंड सेशल्स साइन एग्रीमेंट ऑन मैरिटाइम कोऑपरेशन। सेशल्स यहां पर आपका एक कंट्री, इसके साथ यहां पर आपका इंडिया ने मैरिटाइम कोऑपरेशन से संबंधित एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है वो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन ऑफ इंडिया और RCOC जो वहां का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, इन्होंने मिलकर यहां पर एग्रीमेंट साइन किया है मैरिटाइम कोऑपरेशन का। अभी मैरिटाइम कोऑपरेशन का एग्रीमेंट क्या है, सेशल्स जो है वो यहां पर आपका एक तरह से इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का वहां पर एक मिलिट्री बेस है। अब मिलिट्री बेस इंडिया का सेशल्स में क्यों है, ठीक है, सेशल्स में इंडिया का मिलिट्री बेस इसलिए है क्योंकि यहां पर सेशल्स जिस लोकेशन पे है वहां से यहां पर अगर इंडिया का ऑलरेडी मिलिट्री बेस होगा और इंडिया को किसी दूसरी कंट्री में क्विकली अप्रोच करना है तो वहां पर वो जा पाएंगे बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से, ठीक है। देखिए सेशल्स कहां पर है, बड़ा एक छोटा सा द्वीप है, अगर मैं जूम आउट करूंगा ना तो शायद दिखाई भी नहीं लगा। देखो ये इंडिया है, है ना, कहीं पर दिख रहा है सेशल्स, नहीं दिख रहा ना, अब दिखाऊं, दिखा कितना छोटा था, लो ये है सेशल्स, समझे, ठीक है, ये सेशल्स है। और ये सेशल्स अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये समझो, देखो ये रहा, इतना छोटू सा ये रहा, यहां पे है
राइट अब देखो इंडिया के लिए स्टेशंस ये रहा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक इंडिया से मान लीजिए मुझे अफ्रीका जाना है तो एक इंडिया से यहां पर हमारा आर्मी का जहाज, हमारा नेवी का जहाज चलेगा 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 पहुंचेगा, या फिर हमारी मिलिट्री वाले जाएंगे, है ना। अगर यहीं पर ही ऑलरेडी आपका मिलिट्री बेस है, यहां पर ऑलरेडी आपके नेवी और आर्मी वाले बैठे हैं, तो जाना इतना आसान हो जाएगा, ये जो वक्त है वो बच जाएगा आपका। ये एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप कह सकते हो, है ना, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सेशल जो है काफी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। ठीक है, सेशल्स घूमने के लिए भी काफी अच्छी जगह वैसे तो, है ना। सेशल्स ये रहा, यही मालदीव्स है नजदीक, यहाँ पर ये रहा मालदीव्स, मालदीव्स और सेशल्स नजदीक नजदीक ही है, ये यहाँ पर मालदीव्स काफी घूमने का लोकेशन काफी अच्छी है ना, मालदीव्स भी बहुत अच्छा है, जाना घूमने का भी, जाने का मन हो तो। तो सेशल्स में एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड, ठीक है, वहां पर 1990 में इंडिया ने वहां पर अपना बेस बनाया था और लेटर ऑन 2016 तक ये रहा था। कंट्रीज मिलकर यहां पर काम करेंगे इंडियन ओशियन रीजन के लिए, जो रीजन आपने देखा तो इंडियन ओशियन रीजन था पूरा का पूरा, राइट ओके। ठीक है, तो ये है इंडिया सेशल्स साइन एग्रीमेंट ऑन मैरिटाइम कोऑपरेशन। लोग यहां पर जाते हैं शादी के बाद घूमने के लिए भी जाते हैं सेशल्स में, काफी अच्छी लोकेशंस है घूमने के मामले में भी। ओके सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया, सेशल्स के साथ टाई अप किया। यहां पर ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद कर लेना, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन ऑफ इंडिया एंड दी आरसीओसी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक इंडिया की है एक सेशल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों ने साइन किया है। और अजम्पशन आइलैंड कहां पर है ये पूछ सकते हैं, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में है, ठीक है, जहां पर इंडिया का मिलिट्री बेस है, राइट। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद इसको 2016 में फर्दर एक्सटेंड किया गया था। अगली न्यूज है, ONGC विदेश ने साइन किया MOU विद दी YPFSA अर्जेंटीना के साथ। तो यहां पर आपका ONGC विदेश लिमिटेड में यहां पर होली ओन्ड सब्सिडरी एंड ओवरसीज आर्म है ONGC, ONGC की एक कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC जो है उसी की एक सब्सिडरी है, उसी के अंडर ये काम करती है ONGC विदेश लिमिटेड। इसने एक MOU साइन किया है YPFSA अर्जेंटीना के साथ, एक कंपनी है अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है YPFSA, इसके साथ इंडिया की ONGC विदेश लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया है एक साथ मिलकर यहां पर आपका काम करेंगे ऑयल एंड गैस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में, यहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स के फील्ड में एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन सिंपल साफ सुथरा, ONGC विदेश लिमिटेड ने किसके साथ टाई अप किया है, YPFSA के साथ टाई अप किया है, दैट इज द फर्स्ट एंड ओनली क्वेश्चन, ओनली तो नहीं कहूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस न्यूज में से पूछा जा सकता है, दैट इज द किसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है ओके, और अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन अलग से ये पूछा जा सकता है कि यहां पर YPFSA जो है वो कौन से देश से संबंधित है, अर्जेंटीना से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं YPFSA किस कंट्री संबंधित है, दैट इज द अर्जेंटीना से संबंधित है। ठीक है ओके, लोग मालदीव्स घूम रहे हैं, हम डिजिटल इओन सेंटर में लाइन में लगे हुए हैं, वो भी किसी वक्त इओन सेंटर में लाइन में लगे होंगे, आज मालदीव जो घूम रहे हैं ये तो सोचो, है ना, उनका भी समय आया था, वो भी लगे हुए थे लाइन में, आज वो मालदीव घूम रहे हैं, तुम आज लगे हुए लाइन में, तुम भी मालदीव घूमोगे, फिर कल को मेरे से कोई और पढ़ने आएगा वो भी ये लाइन बोलेगा, है ना, जिंदगी तुम्हारी बदलती रहेगी, हम वहीं के वहीं खड़े हुए मिलेंगे तुम्हें, हम वही सुनेंगे, अगले साल मैं किसी और से डायलॉग सुनूंगा, अगले साल भी मैं सेशल्स की न्यूज में मैप दिखाऊंगा, पिछले साल भी दिखाया था, उससे पिछले साल भी दिखाया था, कभी भी ऐसी खबर आती है मैप दिखाता रहता हूं ना, तो तब भी कोई लोग ऐसे थे जो आज पढ़कर वहां पर, हो सकता है मैं आज न्यूज पढ़ा रहा हूं और वहां पर घूम रहे हो कुछ लोग इस वक्त, है ना, जो पिछले साल इसी तरह से मैप देखा करते थे मेरा ना, आज वाकई में वहां पहुंचे हो, घूम रहे हो, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, राइट, और सीजन भी है शादियों का वैसे तो, है ना, शादियों का सीजन चल ही रहा है। BEML ने साइन किया MOU विद द DMRC, ओके सो BEML लिमिटेड साइन कर रहे हैं MOU विद द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, ओके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ BEML लिमिटेड, ओके
तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया है आपका, क्या किया है, BEML जिसको भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहते थे, DMRC के साथ टाइप किया, जिसके तहत ये क्या क्या रहेंगे, ये यहां पर आपका मिलकर, ये दोनों मिलकर यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, एक इकट्ठा एक ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए कर रहे हैं, जिसके तहत वो बहरीन का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहरीन की मेट्रो रेल फेज वन जो है वो बनाने में BEML दिल्ली मेट्रो के कोऑपरेशन के साथ बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगी, वहां पर बनाएगी तकरीबन 30 किलोमीटर के ट्रेन नेटवर्क, यहां पर 20 स्टेशंस बहरीन के जो हैं वो बनाए जाने हैं, बहरीन कंट्री यहां पर है। और प्रीवियसली दिल्ली मेट्रो ने यहां पर आपका तेल अविव इसराइल की, यहां पर तेल मेट्रो जो प्रोजेक्ट है इसराइल का, वहां पर भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा उन्होंने और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इजिप्ट के, वियतनाम के और मॉरिशियस के, इन प्रोजेक्ट्स में भी मेट्रो यहां पर बनाई। और प्रेजेंटली दिल्ली मेट्रो यहां पर ढाका मेट्रो बांग्लादेश में भी एज अ कंसल्टेंट यहां पर काम कर रही है। ठीक है, ओके। ओके, सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, BEML लिमिटेड ने DMRC के साथ टाई अप की, BEML ने DMRC के साथ टाई अप किया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है, और इस टाई अप के तहत दोनों मिलकर यहां पर क्या करेंगे, बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 30 किलोमीटर का जो रेल मेट्रो नेटवर्क है वो बनाएंगे, मेट्रो रेल नेटवर्क बनाएंगे, 20 स्टेशंस वहां पर बनाएंगे। इससे अलावा दिल्ली मेट्रो ने और कहां कहां पर काम किया है, तेल अविव में काम किया है, इजिप्ट में, वियतनाम में, मॉरिशियस में और ढाका में मेट्रो में भी यहां पर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है दिल्ली मेट्रो। ओके, सो एग्जाम पॉइंट इज अ क्वेश्चन, एक तो हेडलाइन में से क्वेश्चन बनेगा, BEML ने MOU साइन किया है DMRC के साथ। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा पास से चलते हैं, इसराइल तेल अविव याद रख लेना, इजिप्ट, ये तीनों के तीनों है ना locations, previously location, और ये ढाका मेट्रो तो मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज में कवर किया था, मुझे याद है, ठीक है, ये न्यूज भी आई थी आपकी रिसेंटली, अब पता नहीं कब कौन से महीने आई थी, ये याद नहीं लेकिन आई थी। ओके, सो BEML दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बहरीन, ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अगस्त। यहां पर मालाबार एक्सरसाइज जो थी वो अभी नवंबर 2022 में कंडक्ट की गई थी, 30वीं एनिवर्सरी जापान में कंडक्ट की गई थी, और ये मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के कोऑपरेशन के साथ की जाती है। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड है ना, क्वाड कंट्रीज हैं, अगर आप रेगुलर फॉलोवर हो तो पता होगा आपको, क्वाड कंट्रीज, चार कंट्रीज एक ग्रुप है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का, ये चारों मिलकर यहां पर आपका करते हैं एक एक्सरसाइज, डिफेंस की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज एवरी ईयर, और उस नेवी की एक्सरसाइज को इस बार हाल ही में जापान में नवंबर में आयोजित किया गया था। 1988 से ये एक्सरसाइज यहां पर शुरुआत हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें जुड़ा, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एक्सरसाइज अभी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट टाइम द मालाबार एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया में की जाएगी। एग्जाम पॉइंट इज अ क्वेश्चन, लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड कंट्रीज कौन सी है, मालाबार एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में आयोजित की जाती है, ये कुछ क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अगस्त। अगली खबर पे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन नेम्स इंडो कैनेडियन अफशान खान नेम्ड दी कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट। ओके, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट के यहां पर आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो यहां पर आपके बनाए गए हैं, अफशान खान जी बनाई गई हैं यहां पर आपकी, ये अफशान खान फीमेल है ना, और ये आपका स्केलिंग अप न्यूट्रिशन और दी सन मूवमेंट, इसको सन मूवमेंट भी कहते हैं, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन को, ये बेसिकली न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है ना, उससे संबंधित है, और ये एक ऐसा एक मूवमेंट है, एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जो कि यहां पर टोटल 65 कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, 65 नेशंस इसमें इन्वॉल्व है और चार इंडियन स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, दैट इज महाराष्ट्र, झारखंड, MP एंड दी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, MP कनेक्टिंग हो गया, फिर उसके साथ उत्तर प्रदेश कनेक्टिंग हो गया, और उधर झारखंड भी यहां पर आपका देखने को मिल रहा है, तो चारों स्टेट्स यहां पर आपके और साथ में 65 नेशंस मिलकर यहां पर आपका एक स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन सन मूवमेंट को चला रहे हैं, जिसके तहत उनका टारगेट है 2030 तक
हर एक टाइप की जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है, उसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना। और इसी के यहां पर आपके कोऑर्डिनेटर जो है वो चुने गई हैं अफशान खान जी को। अफशान खान जगह लेंगी गेडा वर्कबर्ग की, जो कि नीदरलैंड से थी। करंटली वो यहां पर काम कर रही है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर फॉर ईस्टर्न यूरोप एंड दी सेंट्रल एशिया में। तो इस फील्ड पे काम कर रही है, इस पोस्ट पे काम कर रही है, और फिलहाल ये कोऑर्डिनेटर यहां पर बनाई गई है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की। तो एग्जाम पॉइंट से अफशान खान जी का नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अफशान खान याद रख लेना। क्या बनाया गया? सन मूवमेंट। सन मूवमेंट कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ओके, मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता, सन मूवमेंट आप में कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, कितने हमारे देश के राज्य इन्वॉल्व है, कौन कौन सा राज्य इन्वॉल्व है। मैं तो राज्य पर क्वेश्चन पूछता, क्योंकि चार राज्य हैं, चारों के चारों स्टेट्स याद रख लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों स्टेट्स का, क्योंकि एक यूनिक सी एक इनिशिएटिव है जो कि यहां पर किन्हीं चार स्टेट्स के द्वारा ही किया गया है। केवल इंडिया की चार स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा सा यूनिक सा बनता है। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ये चार स्टेट्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट है इसकी। दैट इज स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, दैट इज सन मूवमेंट। अगली न्यूज पे चलते हैं। कर्नाटका बैंक ने जीता है प्रतिष्ठा पुरस्कार डीजी धन अवार्ड फ्रॉम दी मीति। ओके, सो मीति में, मीति के द्वारा यहां पर आपका भीम यूपीआई में बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए डीजी धन अवार्ड्स में यहां पर कर्नाटका बैंक को चुना गया है। आपका किस अवार्ड के लिए? प्रतिष्ठा पुरस्कार एक दिया गया है कर्नाटका बैंक को, और यह प्रतिष्ठा पुरस्कार कर्नाटका बैंक को दिया गया है भीम यूपीआई ऐप में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए। उनके यहां पर आपके जो टारगेट था वो सबसे ज्यादा इस ऐप में जो एक ट्रांजेक्शन करने का था वो इस पर्टिकुलर बैंक ने किया। इनकी एक ऐप है केबीएल नेक्स्ट करके, हाल ही में मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था आपको क्लास में। वो यहां पर आपका केबीएल विकास नाम की उनकी एक डिजिटल ड्राइव है, यानी कि एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जा रहा है। दैट इज केबीएल विकास 2.0 उनका एक इनिशिएटिव है। उसी के तहत केबीएल नेक्स्ट जो उनका एक एक परफॉर्मेंस है, एक यहां पर एक इनिशिएटिव है इस केबीएल विकास 2.0 के तहत, केबीएल नेक्स्ट, उस केबीएल नेक्स्ट की बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया गया है आपका डीजी धन अवार्ड्स 2021-22 का। तो एग्जाम पॉइंट से जस्ट हेडलाइन में से यही क्वेश्चन आएगा, किसको दिया गया प्रतिष्ठा पुरस्कार डीजी धन अवार्ड? मीति का दिया गया कर्नाटका बैंक को। यह भी पूछ सकते हैं केबीएल विकास 2.0 केबीएल नेक्स्ट जो है किस बैंक से संबंधित है। अब केबीएल से आपको कर्नाटका बैंक नहीं समझ में आएगा या याद नहीं आएगा, तो सीधा केबीएल एनईएक्सटी और केबीएल विकास 2.0 डाल सकते हैं आपके यहां पर क्वेश्चन में, ठीक है? तो यह चीज की जा सकती है यहां पर आपका, एंड केबीएल विकास 2.0 केबीएल नेक्स्ट कर्नाटका बैंक। अगला है एचएल एक्सटेंड सीबी अनंत कृष्णम कृष्णन टेन्योर एज सीएमडी फॉर दिस सिक्स मंथ। सो यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहां पर आपका सीबी अनंत कृष्णन का टेन्योर जो है उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। सो 6 मंथ्स के लिए उनका टेन्योर जो है वो आगे कर दिया गया है। ये है आपके कौन? सीबी अनंत कृष्णन। सीबी अनंत कृष्णन बेसिकली डायरेक्टर फाइनेंस थे आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, लेकिन यहां पर आर माधवन जी जब यहां पर सीएमडी से यहां पर रिटायर हुए उसके बाद इनको यहां पर एडिशनल चार्ज दे दिया गया, यानी कि ये डायरेक्टर फाइनेंस तो है ही, इसके अलावा सीएमडी के रूप में भी काम कर रहे हैं आपके यहां पर एचसीएल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, और इनका कार्यकाल फिर फर्दर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नाम है सीबी कृष्ण, सीबी अनंत कृष्णन। एडिडास यहां पर बहुत ही जल्दी इंडिया क्रिकेट टीम का किट का यहां पर स्पॉन्सर बनने वाला है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें आपने देखा होगा, अभी आप इंडियन क्रिकेट टीम को आप देख रहे होंगे तो उसके जर्सी पर यहां पर एक सर्फ किलर का लोगो है, किलर किलर कंपनी है उसका लोगो आपने देखा होगा। तो वो लोगो यहां पर जो है वो लोगो वहां पर इसलिए लगा होता है जो उनकी जो पूरी की पूरी किट है, जो उनकी अपेरल्स हैं, जो उनकी स्पोर्ट्स किट होती है उसको स्पॉन्सर करता है, यानी कि वो उनको फंडिंग करता है, ठीक है? तो ये जो स्पोर्ट्स किट है, ये स्पोर्ट्स किट पहले आपकी थी किसके पास? पहले थी आपकी एमपीएल के पास, एमपीएल स्पोर्ट्स के पास। तो आपने एमपीएल स्पोर्ट्स का लोगो देखा होगा, लेकिन एमपीएल स्पोर्ट्स ने अपनी जो जो ये स्पॉन्सरशिप थी वो वापस ले ली थी, मतलब खत्म हो गई थी इसका, और इन्होंने आगे एक्सटेंड नहीं किया था। तो एक बार टेम्परेरी बेसिस पर किलर को ये एक दिया गया था मौका कि किलर अपने यहां पर लोगो को लिए, वहां पर एडवर्टीजमेंट उनकी तो एडवर्टीजमेंट होती है, और बदले में वो यहां पर उनको एक स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती है, फंडिंग करनी पड़ती है टीम को। तो अब वो किलर का भी एक इंटरिम रूप में उसको टेम्परेरी दिया था, उसका भी समय समाप्त हो रहा है। तो अब ये माना जा रहा है कि एडिडास जो है
वो यहां पर सामने आया है। एडिडास के साथ यहां पर बीसीसीआई की डील हुई है 350 करोड़ में, जिसके तहत टीम की यूनिफॉर्म का जो स्पॉन्सर बनने जा रहा है कौन? एडिडास। तो अब आपको बहुत ही जल्दी एडिडास का लोगो जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की चेस्ट पर यहां पर दिखने वाला। एक तरफ हमारा लोगो होता है बीसीसीआई का, है ना, और दूसरी तरफ यहां पर उस कंपनी का नाम होता है, उस कंपनी का लोगो होता है जो कि इंडिया की यूनिफॉर्म को, उसकी किट को स्पॉन्सर करता है। ठीक है, ओके। सो किलर जो कंपनी थी वो नाम था यहाँ पर केवल किरण क्लोदिंग लिमिटेड, कंपनी का नाम है जो किलर कंपनी बन, किलर जीन्स बनाती है वो आपकी केवल किरण क्लोदिंग लिमिटेड। इंडिया चेस प्लेयर एनआर विग्नेश बने इंडिया के 80th चेस ग्रैंड मास्टर। हाल ही में नॉर्ड वेस्ट कप 2023 हुआ था बैड ज्वेशनहन जर्मनी में, जर्मनी में इवेंट हुआ था और उसमें इंडिया के चेस प्लेयर एनआर विग्नेश ने यहां पर हराया, किसको हराया, और ये हराए इन्होंने इल्जा श्नेडर को, जर्मनी के इन्होंने हराया, और इसी के साथ वो इंडिया, वो 80वें चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने। ये 29वें ग्रैंड मास्टर जो कि तमिलनाडु से, मतलब 80 में से 29 ग्रैंड मास्टर तो साहब तमिलनाडु से हैं। एम विग्नेश जो है तमिलनाडु से बने 79वें ग्रैंड मास्टर जनवरी 2023 से, इससे पहले एम प्रनेश बने थे जिन्होंने रिल्टन कप जीता था, मैंने ये करवाया भी था तब। एनआर विशाख जो है वो बड़े भाई हैं एनआर विग्नेश के, और ये इंडिया के पहले जोड़ी है, भाई जोड़ी, सिबलिंग जोड़ी है जो कि दोनों के दोनों यहां पर ग्रैंड मास्टर टाइटल को रखते हैं। अब ग्रैंड मास्टर बेसिकली होता क्या है, ग्रैंड मास्टर एक ओहदा होता है जो कि चेस प्लेयर्स का होता है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क, उनको जो भी आप वो मैचेस जीतते हैं उनके बाद उनको पॉइंट्स मिलते हैं हर एक मैच को जीतने के, तो एक पर्टिकुलरली जब वो पॉइंट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं तो वो पॉइंट्स जब हो जाएंगे तो उस बेस पर आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया जाता है। और उसी तरह से इंडिया में ऐसे 80 प्लेयर हैं जिन्होंने उस ओहदे को अचीव किया है और उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, जिसमें एनआर विग्नेश सबसे लेटेस्ट है। यहां पर सबसे पहले ग्रैंड मास्टर यहां पर इंडिया के कौन थे, विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जी इंडिया का पहले ग्रैंड मास्टर जिनको आज भी आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस चेहरा है यहां पर अपना चेस के फील्ड का और इंडिया के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, राइट। तो एनआर विग्नेश नाम याद रख लेना, है ना, कहां पर जीता था इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट कप जीता था, उसके बेस पर उनको यहां पर वो पॉइंट्स मिले और इन्होंने यहां पर आगे बढ़े। और ये तमिलनाडु से 29वें ग्रैंड मास्टर है, ये भी पूछ सकते हैं। एंड पिछले ग्रैंड मास्टर एम प्रनेश थे, तो पिछले महीने के रनर्स आपने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा इनके ब्रदर का नाम क्या है, एनआर विशाख। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इनके ब्रदर का नाम पूछता यहां पर, क्योंकि एनआर विग्नेश का नाम तो सभी लोग याद करके जाएंगे, एनआर विशाख का नाम आप में से बहुत सारे कम लोग याद करके जाएंगे। और ये कौन से ग्रैंड मास्टर थे, 59वें ग्रैंड मास्टर थे। मेरे हिसाब से ये वाली लाइन एग्जामिनर की फेवरेट हो सकता है क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जामिनर यहां पर आपको मारेगा एनआर विकास के नाम से, वो एनआर विग्नेश का नाम क्वेश्चन में दे देगा और बोलेगा उनके भाई का नाम क्या है, या फिर वो बोल देगा कि एनआर विशाख जो है वो उनके सिबलिंग है और पहले ही अरसा बार हिस्ट्री में हुआ है कि सिबलिंग ने यहां पर दोनों ने ग्रैंड मास्टर खिताब जीता। तो एनआर विशाख ने कौन से साल में और कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने थे, इस तरह क्वेश्चन पूछे, वो साल पूछ लेंगे, वो कौन सा वह ग्रैंड मास्टर बने थे ये पूछ लेंगे। तो एनआर विग्नेश क्वेश्चन में देकर उनके ब्रदर की डिटेल पूछ रहे हैं, तो ये डेढ़ लाइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको दिमाग में छाप लीजिएगा। मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, एनआर विग्नेश आप सब लोग याद करेंगे, लेकिन एनआर विशाख जो याद करेगा उसी का यहां पर सवा नंबर पक्का। मैं हमेशा सवा नंबर कहता हूं, एक नंबर नहीं कहता, क्योंकि आप लोग तुक्के करके हमेशा 0.25 गवा के आते हो, इसलिए सही करोगे तो सवा नंबर ही मिलेगा, एक नंबर तो मिलता ही मिलता है, राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप रुद्रांश पाटिल ऑफ इंडिया विंस गोल्ड। सो हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कंडक्ट किया ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, और ये शूटिंग चैंपियनशिप कायरो में हो रही है, ठीक है, और उसमें यहां पर इंडिया के रुद्रांश पाटिल और एर नर्मदा ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा वरुण तोमर और रिदम सांगवान ने भी यहां पर 10 मीटर एयर पिस्टल में यहां पर इवेंट जीता। इस साल यहां पर जो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, ये बेसिकली पूरे साल में यहां पर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग तरीके के यहां पर शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित करता रहता है, जिसमें यहां पर पहला जो था वो जकार्ता में, दूसरा जो अभी यहां पर कायरो में चल रहा है, तीसरा यहां पर आपका भोपाल इंडिया में होगा, और चौथा यहां पर लीमा में, पांचवा बाकू में, और छठा रियो डी जेनेरियो में होगा। तो टोटल 6 इवेंट्स होंगे जो कि पूरे पूरे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, 6 इवेंट्स यहां पर आपके। और करंट जो है वो कायरो में हो रहा है, जो कि राइफल्स और पिस्टल्स का इवेंट है, एयर राइफल और पिस्टल्स का इवेंट है, ये अलग अलग
कैटेगरी के अलग अलग होते हैं, जो भी राइफल्स हैं पिस्टल साइंस से संबंधित ये वाला इवेंट कायरो में आयोजित किया जा रहा है। तो यहां पर एग्जाम्पल से पूछेंगे रुद्रांश पाटिल, आर नर्मदा नितिन और वरुण तोमर, रिदम सांगवान, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स का नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप कहां कहां हो रहा है, तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से घोट कर पी जाना, इस पैराग्राफ को दिमाग में छाप लेना, छह के छह नाम आपको पता होने चाहिए कहां कहां पर ये इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए आज के सेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा, छोटा शॉर्ट एंड स्वीट सेशन था। ध्यान रखिएगा अकेडमी में 20% ऑफ और 4 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, टोटल 10 महीने के लिए आपको मिल रहा है क्या JAIIB का सब्सक्रिप्शन। अगर आप JAIIB या DBF एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, मई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, नवंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मैं जो करवाने वाला हूं करवा रहा हूं। चाहे आप बैंक एग्जाम एस्पिरेंट है तब भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बैंकर हैं तो आपको इस एग्जाम को देना ही होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात करते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी सारी क्लास की अपडेट्स एंड PDF मिल जाए। बाय बाय।